सिद्धार्थनगर में अंतर जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ऑल ओवर चैंपियनशिप का खिताब जीतकर लौटी गोरखपुर पुलिस की टीम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता से मुलाकात की, जिस पर एसएसपी ने विजेता टीम को बधाई दी। इस संबंध में एसएसपी ने कहा कि पुलिसकर्मी सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं सभी सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करती है। एसएसपी ने कहा कि खेलकूद से तथा निरंतर अभ्यास करने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर में संपन्न हुई अंतर जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोरखपुर जोन के सभी टीमों ने प्रतिभाग किया था, जिसे गोरखपुर की टीम प्रथम स्थान हासिल की है तथा गोरखपुर के टीम के खिलाड़ी ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं। इस दौरान सीओ कैंपरगंज दिनेश सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, ये आप देख सकते हैं अंतर जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता सिद्धार्थनगर जनपद में हुई थी, जिसमें गोरखपुर जोन की सभी टीमों ने भाग लिया था और गोरखपुर की टीम इसमें प्रथम आई है। साथ ही साथ जो बेस्ट प्लेयर का खिताब है वो भी शिवधनी यादव जी को मिला है और डेकथलान जो कि 10 इवेंट एक साथ होती हैं कुलदीप यादव को मिला है। तो पूरी गोरखपुर टीम को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने गोरखपुर का नाम पूरे जोन में चमकाया है और जो हमारे 10-11 जनपद आसपास के जितने भी हैं उसमें गोरखपुर प्रथम है। जी बिल्कुल, इससे मैसेज यही है कि पुलिस हमेशा एक स्वास्थ्य की तरफ हमेशा ध्यान रखती है। यदि हम चुस्त दुरुस्त रहेंगे तभी हम जनता की सेवा कर सकेंगे और ये हमारी जो स्पोर्ट्स टीम है वो लगातार जोन में दबदबा बनाए हुए है। आपने पहले भी देखा, चाहे फुटबॉल है चाहे हॉकी है, इस तरह की चीज़ों में भी गोरखपुर पुलिस आगे है। न केवल क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, बाकी सब कामों में भी हम करते हैं और साथ ही साथ ये भी संदेश हम जनता को भी देते हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं और अपने कार्मिकों को भी यही देते हैं, यदि हम सब स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा समाज स्वस्थ रहेगा।